हेलो नमस्कार, foodgurumalhotra.com में आपका स्वागत है। आपके साथ है नेहा मल्होत्रा। तो आज हम बनाते हैं झटपट एक रेसिपी, जैसे रात की लेफ्ट ओवर रोटी। रात की रोटियां कई बार बच जाती है, तो रोज हमें क्वेश्चन रहता है जिस दिन ज्यादा रोटियां बची तो क्या करें। तो उससे हम एक बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं उसकी सामग्री। रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा, एक प्याज बारीक कटा हुआ, हरे मटर एक छोटी कटोरी, यह मूंगफली रोस्टेड मूंगफली क्रश करके, स्वाद अनुसार नमक, हरा धनिया कटा हुआ, कड़ी पत्ता और ग्रीन चिल्ली, दो ग्रीन चिल्ली है और करी लीव्स है, ये हल्दी पाउडर है, ये रेड चिल्ली पाउडर है, बारीक कटी हुई गाजर है और यह आधा नींबू है। ये हमारी 6 रोटियाँ हैं जो रात की बची हुई है। अब हम फटाफट बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हमारी गैस को ऑन कर देते हैं और उसके अंदर हमारे यहाँ गाजर और मटर बॉईल होने के लिए डाल देते हैं। देखिए, इसमें हमने बहुत नाम के लिए थोड़ा सा पानी लिया, हल्का सा। उसके अंदर हमारी यह गाजर डाल देंगे कटी हुई इस तरह से, और यह हमारे ग्रीन पीस डाल देंगे, और इसे हम सिर्फ एक सीटी लगाने के लिए छोड़ देंगे इस तरह से ढक्कन लगा के। अब हम हमारे मिक्सर, जब तक यह सीटी हो रही कुकर की, हम मिक्सर में यह रोटियां इस तरह से तोड़ के चला लेते हैं। देखिए, इस तरह से इसमें हमने सारी रोटियां तोड़ के डाल देनी है ग्राइंड करने के लिए। इस तरह से उसे पीसेस में तोड़ लेना है हाथ से ही। हमारे कुकर की सीटी हो चुकी है और हमने गैस ऑफ कर दिए। अब हम इसे इस तरह रोटी डाल के आखिरी हमारी फटाफट मिक्सर में डाल लेते हैं। रोटियों को हमने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। हमारी अब हम गैस ऑन कर देते हैं इस तरह से और कढ़ाई चढ़ा के उपमा बनाने की तैयारी करते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें ऑयल डाल देते हैं इस तरह से। ऑयल गर्म हो गया, करी लीव और हरी मिर्च डाल देते हैं। हमारे करी लीव मिक्स हो गई है। अब इसी के अंदर हम प्याज डाल देते हैं इस तरह से बारीक कटा हुआ, और इसे थोड़ा सा हल्का सा भून लेते हैं। हमारा प्याज बहुत बढ़िया भून के हो गया है। प्याज हो चुका है, इसके अंदर हल्दी और मिर्ची जो हमने निकाली है वो डाल देंगे। इसे चला लेंगे। इसमें रोस्टेड मूंगफली सिंगदाना डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए इस तरह से। मैंने करीबन 1 टीस्पून जितना डाल लिया है। अब आप इसे अच्छी तरह चला लीजिए। हमने जो कुकर में गाजर और मटर बॉईल किए, अब हम उसे भी इसमें डाल देते हैं। हमारे गाजर मटर हो चुके, इसे हम इस तरह से इसमें डाल देते हैं। उसमें जो थोड़ा सा हल्का सा पानी था उसी के साथ ही हम डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक भून लेते हैं। अब हम इसके अंदर जो हमने पीस के रखी थी रोटियाँ वह थोड़ा थोड़ा करके डाल देते इस तरह से। इस तरह से हम यह पूरा का पूरा इसमें पीसी हुई रोटियों का डाल देंगे उपमा बनने के लिए। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं और इसे अच्छी तरह से 2 मिनट चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। हमारा उपमा बहुत बढ़िया बन के तैयार हो गया है। देखा आपने किस तरह झटपट यह गेहूं की रोटियों का उपमा कितना बढ़िया तैयार हो गया, और इसका लुक भी कितना बढ़िया आ रहा है। हमने गैस ऑफ कर दी है, अब हम इसे सर्व करने की तैयारी करते हैं इस तरह से। हम इसमें पूरा का पूरा उपमा सर्विंग के लिए डाल देंगे। अब हम इस पर इस तरह से हरा धनिया डाल देते हैं कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर हम नींबू निचोड़ देते हैं जिससे स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है। इस तरह से मैं हाथ से ही निचोड़ती हूँ, आप चाहो तो नींबू निचोड़ने वाली भी ले सकते हो। इस तरह से आप नींबू निचोड़ लीजिए इस पर। देखा आपने कितना झटपट हमारा यह रोटियों का उपमा बन गया है। इसे देखते हैं ऐसे लगता भी नहीं है कि हमने रात की रोटियों से बनाया, और यह टेस्ट में भी सच में बहुत बढ़िया होता है। हमने जो गाजर मटर उबाले ना उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, ये रीजन ये है कि उसका जो पानी होता है वो मॉइस्चर कर देता है, रोटियां ड्राई हो जाती है ना,
तो यह एकदम थोड़ा सा मॉइस्चर बच जाता है, सूखा नहीं रहता है। तो इस तरह से बनाइए। देखिए मैं इसे, मुझे पहले से ही है कि खाना मुझे जरा भी कोई वेस्ट करे बिल्कुल पसंद नहीं है। खाना जहाँ तक हो मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ या फिर उसका यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी क्या होता था, जब भैया हमारा छोटा लड़का है घर में, मैं ये बनाती थी तो उसने ये बोला नहीं रोटी का नाश्ता है मुझे नहीं खाना। उसने कहना अरे मैंने आज रोटी से ब्रेकफास्ट, मुझे नहीं खाना। एक दिन मैंने क्या किया, वो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी, मैंने उससे कहा कि आज मैंने ना एक ब्रीड से उपमा बनाया गेहूँ का, बहुत बढ़िया है। उसे नॉर्मली उपमा पसंद नहीं, रवे का भी खाता नहीं। तो मैं बोली ये वीट का उपमा है कुछ डिफरेंट है, तो ठीक है लेके आओ। तो इस तरह से मैंने वेजिटेबल्स डाली, सब कुछ डाल के एकदम लेके गई। उसे बताया नहीं, उसने बाउल भर के खा लिया, बोले तो बहुत टेस्टी है। उसके बाद से वो भी यह उपमा नाश्ते में खा लेता है। तो अक्सर हम लोग कभी 8-10 दिन में ज़्यादा एक्स्ट्रा रोटी हो तो बना लेते हैं। तो आप भी घर में बनाइए, यह बहुत हेल्दी भी है, इससे हमारी रोटियाँ भी वेस्ट नहीं होती, हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाता है और फटाफट हो जाता है। आप देखिए, ट्राई कीजिए मेरे वीडियो को। अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलती हूँ। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद।